प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्यार दिया आप लोगों मैथ मास्टर ट्रेनिंग बैच जो सुमित मंत्रा के द्वारा प्रीलिस्ट में बनाया गया है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार दे करके। तो आप लोगों को इस प्रकार से लाइक करिए, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बस इस प्रकार का यूजफुल शॉर्ट इजी एंड वेरी फास्ट मेथड से आप लोगों को बनाने के लिए मैं सिखा दूंगी, यह मेरा दावा है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट लोगों को ऐसा मेथड कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो बड़ी बड़ी मंजिल बन जाती है। उसी प्रकार से मैथ में हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ करके बनाते हैं। तो ये मैथ मास्टर बैच ट्रेनिंग सुमित मंत्रा बैच आप लोगों को प्लेलिस्ट में बना हुआ, तो आप लोग देखते जाइएगा। आप लोग बहुत प्यार सपोर्ट दिए इसलिए हम लोग अगला सेशन आप लोग ला रहे हैं यूनिट समान करने पर आधारित, तो आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए एक मोटिवेशन देख लेते हैं। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। इसलिए यानी बाहर की चुनौती से नहीं, आप अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगी। तो आप लोगों को मैथ मास्टर ट्रेनिंग बैच में आप लोग वेलकम है। तो चलिए हम लोग मैथ मास्टर ट्रेनिंग बैच का क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो देखिए आप लोग कंपटीशन के दुनिया में आए हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट इजी एंड वेरी फास्ट खोपड़ी में सेव करने वाला आपको सीखना होगा। इसलिए लाइक करने शेयर लाइक कर ठोक दीजिएगा, टकाटक आप लोगों को ऑप्शन टिक करिएगा टकाटक। चलिए हम लोग टकाटक करते हैं। क्वेश्चन मतलब आएगा हम लोग केस बाय केस, यहाँ पे केस वन केस टू केस थ्री लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री, यानी सब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोगों को बांट दिया गया है और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की ओर मैथ पढ़ाया जाएगा, तो इसमें से कोई दुराई नहीं बात है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यूनिट समान करने पर आधारित आप लोगों का क्वेश्चन आएगा क्या होगा। तो एक बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को, नेचर टू में जो है हम लोग केस वन देखेंगे, नेचर टू में क्या देखेंगे केस वन, फिर केस टू थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नेचर वन तक पहले देखी। अनुपात प्रकट करें तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल आसान है, यानी यूनिट समान करने पर प्रकट करना, तो यूनिट समान पर प्रकट करना, यहाँ तो यूनिट समान है और